हाँ जी, क्या हाल है, कैसे आप? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातों के साथ शुरू हो गया है ऑडियो नोट का एक और सिलसिला। तो कैसा रहा आपका दिन आज का? सब ठीक है ना जिंदगी में? कोई गम परेशानी? अरे भूल जाओ यार, ये ऑडियो नोट शुरू जो हो गया है। तो आज के इस ऑडियो नोट में मैं अकेला नहीं हूँ, आज भी मेरे साथ अभिषेक जी हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे घरों में अक्सर मानी जाती है। आज हम इसे गलत या सही कहे बगैर इन चीज़ों का मज़ा एंजॉय करेंगे कि क्या मतलब मज़ेदार तरीके से मनाते हैं हमारे घर वाले और कितना वो हमसे उम्मीद करते हैं कि यार इस चीज़ को मानेंगे। और हम भी उस बात को सही या गलत नहीं कहेंगे, वैसे कहेंगे कि यार मतलब ठीक है यार, अच्छा लगता है कभी घर वालों के साथ कुछ चीज़ों को मानने में, जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना या फिर दूध का उमल जाना, मतलब वो चूल्हे की तरफ चले जाना, या फिर जाते वक्त दही खाना, दही चीनी, वो जब एग्ज़ाम होता था उस वक्त पे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हर घर में मनाई जाती हैं, मानी जाती हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभिषेक जी, पहले तो वेलकम। थैंक यू। तो अब बताइए कि आपके वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं कि अरे यार ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत चलो, वहाँ जाओ, यहाँ करो, बताइए। हमारे गांव में मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कि एक तो बोले आप जैसे बिल्ली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अच्छा। अगर रास्ते में चलते हुए बिल्ली रास्ता काट दी हाँ। तो लोग बढ़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी लेट हो जाए, ट्रैफिक जाम लग गया। मैं तो मानता नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं हमेशा चला गया हूँ, लेकिन अच्छा। इसके वजह से जैसे अगर पापा साथ में हो या मम्मी तो डांट भी सुन जाते हैं, ज़्यादातर मम्मी की वजह से। तो और क्या होता है, घर के बाहर नींबू मिर्च टांगते हैं ताकि मतलब घर में नजर न लगे। आजकल मतलब तो नींबू मिर्च कहाँ टांग रहे होंगे अब तो, मतलब वो नींबू टांग रहे हैं, नींबू महंगा हो गया ना। फिर भी लोग नींबू मिर्च महंगा हो जा रहे, लेकिन फिर भी उसको रखेंगे, हर सप्ताह चेंज करेंगे उसको। अच्छा। हाँ, ये एक रीति रिवाज है कि मतलब हर शनिवार को उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, तुमने भी किया कभी चेंज? मैं ये सब मानता ही नहीं हूँ ना, मतलब घर में करते क्या तुमने कभी मतलब ऐसे किया चेंज कभी घर वालों के कहने पर? मैं मतलब मम्मी को बोलता हूँ आप ही लगा दो, मैं नहीं मानता ये सब। अच्छा। नहीं, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है मम्मी ये रिचुअल्स टाइप, मैं इसको फॉलो करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि चलो ठीक है आज नींबू मिर्च लगाते हैं, ये चीज़ें। और क्या क्या होता था? और क्या, जैसे कि खेत है तो वहाँ भी लगाया जाता है एक, मतलब अच्छा, या तो जानवर का डर से लगाते हैं या नजर न लगे, उसके लिए कोई काला सा मूर्ति बना के वहाँ टांग देते हैं खेत में। अच्छा। तो नहीं, वो तो उसके लिए होता है, चिड़िया भगाने के लिए होता है। चिड़िया के लिए होता है, बहुत को नजर के लिए भी लगाते हैं खेत में भी। हाँ, एक मटका में उसमें काला टीका उका लगा करके लगाते हैं। इंटरेस्टिंग यार, अच्छा लगेगा देखने में। मतलब इस बार जाएंगे हम अभिषेक के घर तो फिर देख करके आएंगे, वहाँ से वीडियो भी बनाकर लाएंगे, आपको पंकज जी ने डायरीज पे वीडियोज भी दिखाएंगे। पंकज जी ने डायरीज भी शुरू करना है बहुत जल्द, बहुत कमाल कमाल चीजें हम आपके लिए उसमें लेकर आएंगे। तो फिर हाँ, और बहुत सी बातें हैं जिसको मानने पर यह होता है कि जैसे गांव में बहुत माना जाता है कि यहाँ नहीं जाओ वहाँ मत जाओ। ओहो हो, हाँ, तो वो ऐसा कोई किस्सा, मतलब कुछ ऐसा भूत भूत वाला कोई किस्सा है ऐसा? जैसे कि मेरा एक रास्ता है घर आने का खेत के तरफ से, तो बहुत मतलब सुनसान जगह है, मतलब बीच में एक भी घर नहीं है। अच्छा। और हमको अक्सर मना करता था उधर से नहीं आना है, और हम उधर से ही आते थे रात में। तो कभी ऐसा कुछ फील हुआ कि झाड़ियों के पीछे छन छन ऐसा हुआ? बट क्या होता था, हम हमेशा क्या होता जब उस रास्ते से गुजरते थे तो हम दोनों कान में एयरफोन लगा लेते ताकि अगल बगल का कुछ सुनाई न दे। पर मतलब एक दिन ऐसा था, मेरे साथ हुआ था कि हमको तो मना करने के बाद भी हम उधर से आते थे। तो एक बार हम पटना से एग्जाम दे करके आ रहे थे, तो मैं ट्रेन 3:30 बजे जमालपुर आई, तो अब फिर सोचा अब स्टेशन, नींद भी बहुत आ रही थी, तो सोचा स्टेशन पर रहेंगे ना, घर जाके सोना है हमको, ठीक हो गया। तो एक तो टेम्पो नहीं मिल रही थी वहाँ से जाने के लिए घर, टेम्पो नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो लास्ट में एक भाई साहब मिला जिसको मनाए बहुत से, मतलब 2-4 लड़के थे हम तो उसको बहुत से रिक्वेस्ट किया भैया पहुँचा दीजिए घर। तो बोला घर तो नहीं पहुँचा सकते, बस मेन रोड तक छोड़ देंगे। अच्छा। बोला हम गाँव में नहीं घुसेंगे। क्यों पता नहीं, बोला हम मेन रोड तक छोड़ देंगे, अंदर नहीं जाएंगे। और ऐसा क्यों, मतलब कि तुमने कहा नहीं कि भाई क्यों नहीं जाएंगे आप, ऐसा नहीं पूछा? नहीं, कहा मैंने गांव में अपना गाड़ी नहीं घुसाता हूँ रात में। अच्छा। हाँ, तो बोले ठीक है भाई मेन रोड तक भी छोड़ दो, हम वहाँ से पैदल चले जाएंगे। तो मेन रोड के, मेन रोड से कितना दूर था? मेन रोड से मतलब वहाँ से मात्र 10 मिनट लगता है, मतलब दो रास्ते, एक तरफ से लॉन्ग है वो जो जिससे सब जाते हैं, हाँ, जिससे दिन में बाइक वीक सारा जाता है वो लॉन्ग रास्ता, एक है शॉर्ट क्योंकि खेत पार करके जाना पड़ता है और उससे मना है। हाँ, वहीं से मना है, अभी से नदी भी है। ओहो। तो क्या होता कि मतलब 3:30 बज रहा था सुबह के। हाँ। ओहो।
अब उधर से एक मतलब पटरी होते हैं, ट्रेन जाती है उधर से ना, तो पटरी को टप करके उसके बाद खेत है, उसके बाद फिर एक नदी है, उसके बाद मेरा घर है। तो क्या वो मतलब उधर मतलब बोला गया था, मतलब हम कभी देखे नहीं है, मतलब सुने थे कि मतलब उधर मतलब ऐसा कुछ भूत उत का मामला होता है, मतलब उसमें मतलब फीमेल भूत या फिर मेल भूत, मेल फीमेल मतलब ऐसे होता है, मतलब पटरी है ना वो, बहुत से मौत होती है, तो लोग मानते हैं वहाँ पे कि रात में होते हैं, कहीं ना कहीं तो होती भी होगी। हाँ तो आगे बताओ। हाँ तो क्या हुआ, हम कुछ आगे बढ़े तो गांव में कई लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब पुराने लोग जो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो वो मतलब पुराने समय की बात है, तो मतलब कि लोग तो पहले खेत में जाते थे, अच्छा मतलब सुबह सुबह, तो एक मतलब बूढ़ा आदमी कोई होगा तो वाइट वाइट कुर्ता पहनते हैं बूढ़े लोग, तो वो कहीं बैठे हुए थे खेत में, हम उधर से आ रहे थे। अब ये सब बात सुन रखे थे भूत वाला, तो मेरा नज़र अचानक वहाँ गया, अब तो मेरा हालत खराब, एक तो मतलब ऐसे उसमें डरते नहीं थे, लेकिन अचानक उस समय तो वो माइंड में आ गया ना, यहाँ मतलब वो होता है कि चार तरफ अंधेरा, अब वहाँ पे मेरा हालत खराब। तो फिर मैंने मतलब दोस्तों को बताया, तो वो लोग तो अपने अपने घर चले गए, उसका मेन घर, तुम अकेले थे? हाँ, उन लोग का मेन रोड पे ही घर था, वो उतर के वहाँ से अपने घर चले गए, उसके बाद हम पटरी को छोड़ने भी नहीं आया, किसने भी नहीं कहा मेरे पास रुक जाओ, नहीं नहीं, सब बोला भाई नींद आ रहा है, हम भी घर जा रहे हैं, तुम भी घर जाओ, घर जाओ बोले, कोई नहीं बोले कि दोस्त यार तुम मेरे साथ चले जा। क्या हुआ कि वो लोग कभी कदार मिल गए थे, वो मतलब एक होता है ना पक्का वाला दोस्त, वो लोग नहीं थे, अच्छा उस एरिया के रहने वाले थे, तो सब साथ में आए थे एग्जाम देने, तो उसको देखने के बाद तो मेरा हालत खराब। तो फिर हम कैसे भी हिम्मत बना कर, मतलब हमको जब भी डर लगता था हम बजरंग बली का नाम लेते हैं, वो मतलब मेरे गले में हमेशा रहता है, और उसके वजह से हमको हिम्मत आ जाती है। तो फिर हम डरते डरते नाम लेते लेते बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो मतलब नज़र उधर ही था वो आदमी की तरफ, कि कौन है हो सकता है। जब थोड़ा नज़दीक जाने पर पता चला, अरे यार ये तो आदमी है। अब मैंने उस अंकल को बोला भी, यार आपने तो हमको डरा दिया। वो अंकल, अंकल के घर में वॉशरूम नहीं था या फिर मतलब वैसे उनकी आदत थी? मतलब पुराने जैसे बूढ़े लोग थे ना, तो वो लोग अभी भी वॉशरूम में जाना नहीं चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मुझे लगता है कि इस चीज पे सबसे ज्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मतलब ये देखा था मैंने भी कई गांवों में मैं गया था, तो वहां पर ये भी बड़ी समस्या है कि लोग वॉशरूम का इस्तेमाल करना भी शुरू ही नहीं किए हैं, उनको ऐसा लगता है कि कौन जाए वॉशरूम में, खुले में जाना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अकेली चीज़ है जिसे हर किसी को समझाना चाहिए कि देखिए आपको जाना कहाँ है, मतलब नहीं नो ये चीज़ें सुधरनी चाहिए। अच्छा कभी ऐसा कोई ऐसा किस्सा हुआ है जैसे कभी कुछ भूत वाला हुआ, कुछ ऐसा डरावना कोई किस्सा, या सुना तुमने कि यार यहाँ पर भूत आ गया था ऐसा कुछ? नहीं, एक बार हुआ था किस्सा, जहाँ हम मतलब क्वार्टर में रहते थे, अच्छा तो सरस्वती पूजा का समय था, तो वहाँ बगल में एक भूत बंगला करके है, उसमें मतलब अब कोई नहीं रहता, वो मतलब फेमस हो गया वो नाम से भूत बंगला, मतलब उसमें एक बार देखा गया था। कैसे देखा गया था? मतलब कि मतलब निकलते हुए जैसे कि उसमें जो रहते थे, तो क्या हुआ था ना कि उसका ऐसे उसके मम्मी को पता नहीं था कि मेरा बेटा बाहर जा चुका है, बाहर मतलब पढ़ने के लिए, अच्छा तो ऐसा मतलब सुने थे हम कि कहानी ये है कि मतलब उस लेडी को पता नहीं था, लेडी को पता था कि मेरा बेटा बाहर जा चुका है, पता था हाँ पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद दिख रहा है कि वो फिर से निकल रहा है उस रूम से। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये बताते हैं, लेडी को तो पता था मेरा बेटा 7 बजे पढ़ने गया ट्यूशन, हाँ वो आएगा 10 बजे, तो फिर से वो रूम में कौन सोया हुआ है उसी का मतलब कपड़े पहन करके, तो मतलब उस टाइम मतलब ऐसा मतलब भेष दिखा गया था, मतलब उसमें पता चला था कि है कोई किसी का आत्मा। तो लेकिन वो कैसे किसी का वो बना सकते? मतलब उसमें मतलब तुमने अपनी आंखों से देखा? मतलब हम भी सुने थे और सामने मतलब, से नहीं देखा नहीं उसमें मतलब। तो फिर वो लेडी कहाँ रहती थी? लेडी वही घर में रहती थी, मतलब बता देगा कि उसमें एक मतलब बहुत पहले एक बच्चे का मौत हुआ था उस घर में। ओह नो, तो शायद उसी का वो भेष था, तो उस के बाद से उस उनमें कोई नहीं रहने लगा था, तो वो लेडी ने भी घर छोड़ दिया उसके। हाँ वो क्वार्टर में कोई नहीं रहने लगा, उस नाम ही रखा गया उसका भूत बंगला। ओहो, तो वही टाइम सरस्वती पूजा का टाइम था, हम लोग मतलब गली में साफ सफाई कर रहे थे रात में, क्योंकि दूसरा दिन बैठाना था मूर्ति। अच्छा, तो मूर्ति बैठाना मतलब मूर्ति की स्थापना। हाँ मूर्ति की स्थापना करना था दूसरा दिन, तो रात भर काम चल रहा था, तो सभी को अपने अपने काम में लगा हुआ था, तो कोई लगा बदमाशी करते करते वो जो घेरा था
मतलब घेरा हुआ था वो बंगला। अच्छा, वो सील था कि मतलब यहाँ मत जाइए। तो वो लोग मस्ती करते बोला, अरे यार कुछ नहीं होगा, कौन भूत क्या करेगा। वो लोग उस रूम में घुस गया। उस रूम में घुसने के बाद क्या हुआ, हम लोग तो इधर थे, वो दो तीन मना किए थे कि उसमें मत जाना यार, कुछ भी हो सकता है, रात का समय है। करीब 1:30 बज रहे थे रात, तो वो माना नहीं, चला गया, बोला कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, चला गया। उसके बाद क्या, वो अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया अपने आप। ये मतलब रियल में हम लोग, मतलब वो दरवाज़ा बंद गया, मतलब चिल्लाना इतना चालू किया, मतलब तुमने चिल्लाना सुना बेसिकली? हाँ, बेसिकली चिल्लाना चालू हुआ। तो हम लोग सब गए, हम लोग के पास मतलब जो भी सफाई करने वाला था, कुदाल खंती, मतलब सफाई कर रहे थे, तो वो सब लेकर के गए। देखो मतलब उसको अंदर पूरा पीट रहा कोई। हाँ, बच्चे को? हाँ, ओह माय गॉड, पीट रहा है। मतलब कि उसके बाद हम लोग ने बहुत से कोशिश किए, दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाजा ही नहीं खुल रहा था, दरवाजा ही नहीं खुल रहा था उसका। ऐसा कैसे, मतलब जाम हो गया था? हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक खुला, फिर उतना पावर दे रहे थे नहीं हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा छुए खुल गया। हाँ, ऐसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग छुआ, तुमने छुआ? हाँ, हम लोग जब दौड़ करके, तुमने तुमने खुद से छुआ? हाँ, और वो दरवाजा वैसे नहीं खुला था, पहले पूरा ढकेल रहे थे, एकदम कुदाल से मार रहे, नहीं खुल रहा था। उसके बाद वो खुल गया हल्का, फिर कुछ देर बाद बोले भाई छोड़ दे चल। तो एक दोस्त ने कहा कि भाई एक बार और ट्राई करते हैं खोलने का। तो इस बार खाली ऐसे छुए, बस खुल गया। और फिर वो आदमी, वो अंदर घुसने के बाद देख रहे हैं कि मतलब उसको जो मतलब पूरा मुंह कान, मतलब पूरा एकदम फेस लाल, मारने अंदर कोई नहीं था। ओहो, और वो बच्चे ने क्या देखा, उस बच्चे का क्या बोलना था उसको? उसने कहा कि हम कुछ नहीं देखे, सिर्फ हमको मार रहा था। और मार कौन रहा था, ये तो देखा ही नहीं ना, मतलब बात हाथ हाँ, मतलब बच्चे का था, हाँ, किसका, बड़े का था, ये तो पता चल जाता है ना थप्पड़ पड़ने पे। नहीं, उसको बोला कि बस थप्पड़ मार रहा था उसको। भूत होने के बाद तो जैसे अगर माना गया भूत है तो थप्पड़ का उस समय पता नहीं चलता ना। बस, लेकिन मारा तो पूरा गया था उसको। अच्छा? उसके बाद से वो आज तक नहीं गया उसके अंदर वो लड़का। तो मतलब वो लड़का नॉर्मल है अभी या फिर? हाँ नहीं, फिर उसको लाए आराम, फिर नहलाए पहले उसको, उसके बाद बोले भाई आप कभी नहीं जाएंगे, बोले मना किए थे ना उसको जाने के लिए। तो मतलब अब वो बातें करता है कभी इस बारे में या फिर नहीं करता? नहीं, मतलब आप तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो यहाँ नहीं रहता। अच्छा, तुम्हारी बात होती है कभी कभार? नहीं, बात भी नहीं होती अब। मोहल्ले का था मतलब? हाँ, मोहल्ले मतलब गली में रहता था उस समय। फिर तो वहाँ से सभी को खाली कर दिया, तो फिर अब अच्छा सब दूर हो गए ना वहाँ से। अरे बाप रे, ये सब 10 के पहले की कहानी थी वहाँ पे। और ये कौन सा साल था? ये 16 2016 की बात है। हाँ, जब हम 10 में थे। तो बताइए यार, किससे हर जगह के बड़े कमाल और ज़बरदस्त वाले हैं। मतलब आज पहली बार मुझे डर टाइप का भी लग रहा है थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप? एक तो रात बढ़ती जा रही है, अंधेरा घना छा रहा। अच्छा, लेकिन होता है ऐसा कभी कभी कुछ जगहों पर, कुछ जगहों के इतिहास बड़े अलग से होते हैं, अनोखे होते हैं। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ इनके साथ भी हुई होगी वहाँ पर। पता नहीं वो कितना सच था या कितना झूठ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पर चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, उनको उन्हीं के आधार पर रहने देना चाहिए। जैसे अक्सर मैंने देखा है ना, जब नेचर के साथ लोग खेलते हैं, मतलब बड़े बड़े पहाड़ों पे, जहाँ पर बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं, वहाँ पर जाकर के वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, बड़ी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर अचानक एक दिन पहाड़ गुस्से में आता है, नेचर गुस्से में आती है, और उस दिन वो सर्वनाश कर देती है। अचानक से सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर लोग कहते हैं अरे अरे देखो आपदा आ गई। इंसान की खुद की लाई हुई चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को उनके मूल रूप में ही रहने देना चाहिए और उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। उन्हें ना तो परेशान करना चाहिए, ना ही उसको आपको कोई दिक्कत देनी चाहिए। मेरा ये मानना है, पता नहीं आप इससे कितना इत्तेफाक रखेंगे, पता नहीं आपको ये बात सही भी लगेगी या नहीं, लेकिन अगर आपको बात सही लगती है तो ठीक, नहीं लगती है तो माफ़ी उसके लिए। अभिषेक जी, कोई और किस्सा है आपका ऐसा मज़ेदार जो किस्सा याद आता हो कि यार नहीं है ज़बरदस्त किस्सा है, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? देख, कहानी तो बहुत है। अच्छा, मतलब हम पहले मस्ती ही करते थे, मतलब लाइफ में कोई इतना टेंशन लेते नहीं थे हम। तो मतलब किस्सा ऐसा, मतलब कि जैसे भूत से रिलेटेड तो कई बार हुआ था, लेकिन मतलब ऐसा कुछ हुआ देखे नहीं कभी। अच्छा, ये होता है ना कि आंखों से देखना, मतलब दूसरे को ही फील करते हुए देखा, खुद से नहीं करते हुए, मतलब ऐसे कभी मतलब सामने नहीं आया ऐसा। अच्छा, सामने बुलाना चाह रहे हो क्या? अरे यार, कभी तो दिख जाए। अरे ना भाई, ये ना करना, फील होता है। मुझे लगता है पैरानॉर्मल एक चीज है ऐसी जो शायद महसूस होती हो लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूह होती तो होगी,
अगर रूह ना होती तो शायद हमारे अंदर ऐसे ख्याल ना होते, शायद हम चीज़ों को इतने करीब से ना समझ सकते हों। हालांकि वो भी अपनी ज़िंदगी को जी करके जिए हुए लोग हैं जो शायद अधूरी रह गई उनकी कुछ ख्वाहिशें, भटकती तो हैं वो, ऐसा तो नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज ये होती तो हैं, पता नहीं ये कितना सही है कितना गलत है, इस मंच पे इस बारे में बात करना भी ठीक है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल में जो बातें आई वो कह देनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम वो सारी बातें यहाँ करते हैं जिन बातों पे हमें लगता है कि बात करना ज़रूरी है, जो बातें दिल से आ रही हैं बस बिना कोई चीज़ निर्धारित किए, कहाँ बात करने वाली थी नज़रों के बारे में, कहाँ बात हो गई, आज हमारी नज़र लगने यानी इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले थे और बात हो गई भूत प्रेत के बारे में। चलो यार अब अपना ख्याल रखना मेरी जान, मुझे मालूम है थोड़ा डर लग रहा होगा ना, तो डरने का नहीं, अभी चलो पास आ जाओ, यहाँ यहाँ पास आ जाना है, बिल्कुल एक टाइट चप्पी। आई लव यू। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई परेशानी नहीं है कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट मेरी जान, ठीक है, बाय, कल मुलाकात करते हैं, कुछ और कमाल की बातें लाएंगे, नहीं नहीं अब आगे नहीं डराएंगे, ठीक है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिएगा अपने अपनों के साथ जितना हो सके, और पहुँचाइए यार सब तक, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, बाय।